स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन को हिंदी में? रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन। सुनिए, मीडिया वाले तो हम लोग से सवाल करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मीडिया वाले के लिए, थोड़ा आप हमें ये बताएंगे। पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। थोड़ा सा अभी मौजूद है हम रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन पे लोग दिख रहे हैं, मैं इन लोगों से थोड़ा सवाल करूंगा। सवाल यह रहेगा कि रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए एक हमको पूछिए तो बताते हैं। क्या प्लेटफार्म को क्या कहते हैं? चबूतरा। चबूतरा बोलते हैं। रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम तो नहीं जानते। नहीं जानते हैं? नहीं जानते। बोलिए क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन को जो पटरी है उसको क्या बोलते हैं? पटरी के भी नहीं जानते। हिंदी में क्या बोलते हैं? पटरी हम जानते हैं सर। पटरी जानते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ और होता है? होता होगा, हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, बोल रहे थे कि बताएंगे। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? अभी तो पढ़ ही रहे हैं। पढ़िए रहे हैं, कौन क्लास तक है? अभी बी ए पार्ट टू में पढ़ रहे हैं। बीए पार्ट टू में? बीए पार्ट टू। अच्छा, लेकिन पता नहीं है? पाते नहीं है। ओ, पटरी को भी नहीं पता है? नहीं पता है। एक भाई साहब दिख रहे हैं, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन को बोलते जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन नहीं, हिंदी में कुछ और बोलते हैं। सवाल। अच्छा अच्छा, यहाँ एक भाई दिख रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको? हेलो, सुनिए मीडिया वाले तो हम लोग से सवाल करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मीडिया वाले के लिए, थोड़ा आप हमें ये बताएंगे। पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। थोड़ा सा मीडिया वाले आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए, लोगों से आप क्लास लगाते हैं लोगों को। आप भी एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बच्चा में दो पहला दूसरा क्लास का बच्चा बनाते हैं गणित का, पाँच को शून्य से गुना करेंगे तो क्या होगा? शून्य ही होगा। कितनी डिजिट को कितने से भी गुना किया जाता है तो शून्य होता है। पहले क्वेश्चन को सुन ले, दो क्वेश्चन होता है जो जिस पाँच को शून्य से गुना करना है अलग क्वेश्चन है, और पाँच को शून्य से गुना करना है अलग क्वेश्चन है। आपसे हमने पूछे पाँच को शून्य से गुना करना है, और आपने बोले की जीरो होगा। जी आपने गलत बोला है। कैसे बोलिए? शून्य से गुना करने के मतलब किसी भी डिजिट को अगर शून्य से गुना किया जाता है तो शून्य ही होता है। शून्य नहीं, हम कह रहे पाँच को शून्य बार गुना करेंगे। क्वेश्चन मेरा है कि पाँच को शून्य बार गुना करेंगे तो क्या होगा? मीडिया वाला बताएंगे क्या होगा। आप बताइए, क्या आप नहीं जानते हैं? बताइए ना, आप पहले एक्सेप्ट करेंगे? शून्य से बोलिए ना, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर हम नहीं बोल रहे। मेरा क्वेश्चन है कि पाँच को शून्य बार गुना करेंगे तो क्या होगा? शून्य ही होगा। शून्य होगा ना? आप गलत बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए क्या होगा? पाँच को शून्य बार गुना करेंगे तो एक होगा, क्योंकि कोई भी संख्या को शून्य बार गुना करने पे एक होता है। एग्जाम्पल दुनिया में संसार में करोड़ भी है, अगर शून्य से गुना करने पर शून्य ही होता है। हम नहीं, पाँच को शून्य बार गुना के मतलब कि पाँच पे पावर जीरो, और किसी भी संख्या पे पावर जीरो होता है उसका वैल्यू एक होता है। आप पढ़ के देख लीजिए कहीं, लेकिन नहीं नहीं, समथिंग रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। पाँच को शून्य बार गुना करेंगे। आपका सवाल का हमने जवाब दिया, लेकिन रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन का हिंदी में मैं नहीं जानता हूँ। रेलवे स्टेशन का जो पटरी है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेल मार्ग जानते हैं उसे। रेल मार्ग मैं जानता हूँ। रेल मार्ग नहीं, इसका कुछ और हो सकता है, नहीं जानते हैं। अब बता सकते हैं, बता देते हैं और लोगों से पूछ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आप लोग खड़े रहिए। लेकिन पाँच को शून्य बार गुना करेंगे, बता दे, लौ पथगामी विराम स्थल बोलते हैं, ठीक है? जो रेलवे का पटरी जो है उसको लौ पथगामी बोलते हैं, ठीक है? हमने क्लियर कर दिया। लेकिन और मैं आपको क्लियर करता हूं कि दुनिया में किसी भी संख्या को शून्य बार गुना करेंगे तो उसका वैल्यू एक होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर शून्य होता है उसका वैल्यू एक होता है, कोई भी होगा। मैं तुम्हें अच्छा अच्छा, क्या सही है क्या गलत है आप लोगों पे छोड़ते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।